एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कनाडा हाई कमीशन से। कनाडा एम्बेसी ने कुछ बच्चों को रैंडमली इंटरव्यू के लिए लेटर्स भेजे हैं उनके जीसी के अकाउंट में। हालांकि कुछ बच्चों के डायरेक्ट वीजा आ रहे हैं, पर अभी अभी रिसेंटली एक दो दिन से कुछ बच्चों को इंटरव्यू लेटर्स आनी शुरू हो गई हैं। कुछ बच्चों को दो लेटर्स आई हैं। इसमें सबसे पहली जो लेटर है वो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लेटर है। इसमें कनाडा हाई कमीशन ने बच्चे से उसके दोबारा से एकेडमिक्स मांगे हैं, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और उसके साथ साथ पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी है, जिसमें से बच्चे ने अपने कॉलेज और जीआईसी की फीस भरी थी। और इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए उन्होंने 7 दिन का जो है वो टाइम दिया है। इसके साथ साथ जो दूसरी लेटर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इंटरव्यू लेटर है। ये उसी सेम स्टूडेंट की लेटर है जिसका इंटरव्यू आया है। इस लेटर में उन्होंने डेट और टाइम मेंशन किया हुआ है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। जिन बच्चों का प्रोफाइल जेन्युइन है और जिन्होंने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, वो बिल्कुल भी इस चीज से घबराए ना और अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। और ज्यादा से ज्यादा आप ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करें जो एम्बेसी में अपनी फाइल लगा चुके हैं या लगाने जा रहे हैं, ताकि वो समय रहते अपनी तैयारी कर सके।